उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा खत्म होने वाली है। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए 5 दिन फिक्स किए गए थे, यानी 23 अगस्त, 24 अगस्त, 25 अगस्त, 30 अगस्त और 31 अगस्त 2024। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की वेबसाइट upppb.gov.in पर आप परीक्षा से जुड़ी सारी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। इस परीक्षा के लिए बड़ी संख्या में आवेदन भरे गए थे, लेकिन कई लाख ने एग्जाम्स छोड़ दिए। पुलिस भर्ती और प्रमोशनल बोर्ड ने 30 अगस्त 2024 को हुई यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024 के आंकड़े जारी कर दिए हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 यानी यूपी पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा के सेकेंड लास्ट डे पर 9,63,613 कैंडिडेट्स को एग्जाम देना था, लेकिन 2,00,000 से ज्यादा लोगों ने यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा ही छोड़ दी। सिर्फ यही नहीं, हर दिन की परीक्षा की तरह 30 अगस्त 2024 को भी कई फेक कैंडिडेट्स परीक्षा देते हुए पकड़े गए। इस एग्जाम के 4,81,838 अभ्यर्थियों को 30 अगस्त 2024 को पहली पाली में एग्जाम देना था। इनमें से 4,01,870 अभ्यर्थियों ने यूपी पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड डाउनलोड किए थे। वहीं 3,44,590 अभ्यर्थियों ने यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा दी थी। इसका मतलब है कि पहली पाली की परीक्षा में सिर्फ 71.51% ही अटेंडेंस थी। परीक्षा के दौरान इनमें से 61 संदिग्ध यानी कि गलत अभ्यर्थियों को पकड़ लिया गया था। वहीं दूसरी पाली में 4,81,775 अभ्यर्थियों को शामिल होना था। इनमें से 4,01,972 कैंडिडेट्स ने यूपी पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड्स डाउनलोड किए थे। वहीं 3,47,346 अभ्यर्थियों ने एग्जाम परीक्षा दी थी। इसका मतलब है कि दूसरी पाली की परीक्षा में सिर्फ 72% ही अटेंडेंस थी। वहीं इस पूरी परीक्षा के दौरान 33 गलत अभ्यर्थियों को पकड़ा गया, यानी कि संदिग्ध लोग एग्जाम्स दे रहे थे, उनको पकड़ने में पुलिस कामयाब रही। गौरतलब है कि परीक्षा का मकसद है 60,224 रिक्तियों को भरना। पूरे उत्तर प्रदेश में 1,174 केंद्रों पर 30 और 31 तारीख को एग्जाम हुए। बताते चले कि इस पूरी एग्जाम के बीच में सुरक्षा काफी चाकू चौबंद थी, पर ऐसे हालात में भी फेक कैंडिडेट्स वहां पर मौजूद थे, लेकिन उनको पकड़ने में और उनको आइडेंटिफाई करने में पुलिस कामयाब रही। इसमें कई सारे प्रश्न पूछे गए, जैसे कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, सहकारी समिति के बारे में पूछा गया, सोफिया किस देश की राजधानी, इस पर भी सवाल पूछा गया था। और साथ ही साथ ये भी पूछा गया कि भारत के प्रथम जनगणना किस शासक के समय में हुई थी।